राधे राधे दोस्तों, आज हम बनाएंगे अप्पे जो आपने मार्केट में खाए होंगे। तो चलिए वेजिटेबल्स डाल के बनाते हैं अप्पे। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले मैंने इस तरह के बाउल से 2 कटोरी सूजी ली है। फिर मैंने 1 कटोरी दही लिया है। याद रहे दही ताज़ा हो, रखा हुआ नहीं, हमें खट्टा दही नहीं चाहिए। अब मैंने सूजी में दही डाल दिया है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे, प्याज डालेंगे और गाजर डालेंगे जिसको हमने घिस लिया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। लाल मिर्च डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। घोल ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा ही पानी पड़ेगा इसमें, करीब आधी कटोरी। चलिए अब तड़का लगाते हैं। तड़के के लिए 1 कलछन में हमने 2 चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल के गर्म होने के बाद अब हम इसमें 1 लाल मिर्च डालेंगे। हम इसमें करी पत्ता डालेंगे, राई डालेंगे। अब इसको मिक्सचर में डालेंगे। अब इसे मिक्स करेंगे और इस मिक्सचर को 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। 1 भाग में आधा हींग डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब अप्पे मेकर को गैस पे रखेंगे, गैस को ऑन करेंगे और सारे मेकर में इस तरह से ऑयल लगाएंगे ब्रश की सहायता से। अब सब में थोड़ी थोड़ी राई डालेंगे और छोटे छोटे पीस में करी पत्ता काट के इन सब में डालेंगे। अब इसमें बैटर को डालेंगे और गैस को बिल्कुल लो कर देंगे। बैटर को फिल करने के बाद इस तरह से ढक देंगे और फिर 2 से 3 मिनट तक मीडियम लो गैस पर इसको पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब इसको उठा के देखते हैं। अब अप्पे को पलटते हैं। ये देखिए अप्पे एक तरफ से सिक गए हैं, अब हम इन्हें दूसरी तरफ से सेकेंगे। दूसरी तरफ से भी हम इसे ढककर पकाएंगे 2-3 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए अप्पे दोनों साइड से पक गए हैं, अब हम इन्हें सर्व करते हैं। अप्पे बन के रेडी हैं। देखिए कितने फूले फूले और गोल गोल बने हैं। आप इन्हें ज़रूर एक बार घर पे ट्राई करिए। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।